गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम मनुष्य में परिवहन पढ़ रहे थे। तो परिवहन का कार्य मनुष्य में करता है सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम में मनुष्य के अंदर दो भाग होते हैं, मैंने बताया था, एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसको बोलते हैं लसिका तंत्र। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, और एक होता है लसिका तंत्र। तो दो चीज़ें भाग लेती हैं किसमें, परिवहन में। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है उसमें तीन मुख्य घटक होते हैं, एक होता है उसमें ब्लड, एक होता है ब्लड वेसल्स और एक होता है हार्ट, मतलब रक्त, रक्त वाहिनियां और हृदय। रक्त क्या होता है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके कार्य क्या है, ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इसी में परिवहन का कार्य, देखो परिवहन तंत्र में तीन भाग थे, रक्त, रक्त वाहिनी और हृदय। रक्त के बारे में लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम, उसी से आगे अब पढ़ते हैं, हृदय को पढ़ेंगे हम, रक्त वाहिनियां हम लास्ट में पढ़ेंगे, हम आज पढ़ेंगे हृदय, मतलब ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे हम, ह्यूमन हार्ट। ठीक है भाई, तो चलो शुरू करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में कि ह्यूमन हार्ट क्या होता है। देखो ह्यूमन हार्ट जो है, हमें पता है कि ह्यूमन हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है, एक मोटर की तरह काम करता है। जिस तरह से अगर हमने पानी को अलग अलग जगह पे पहुंचाना है तो उसके लिए एक मोटर लगानी पड़ेगी, वैसे ही अगर हमने अपने शरीर में रक्त को विभिन्न भागों तक पहुंचाना है तो उसको पंप करने के लिए, उसको धक्का देने के लिए कोई ना कोई मोटर जरूर होगी, और वो मोटर होती है हमारा हार्ट, हमारा हृदय। हृदय एक मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर मतलब मांसपेशियों से बना हुआ एक ऑर्गन है, इसमें खास तरह की पेशियां होती हैं जिनको बोलते हैं कार्डिक पेशियां, कार्डिक, कार्डियक मसल्स। और ये थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप का होता है, ट्रायंगुलर मतलब नीचे से पॉइंटेड होता है, कुछ ये समझ लो इस तरह का होता है, नीचे से पॉइंटेड सा होता है, ऊपर से वाइड होता है, ट्रायंगुलर शेप का है। और यह दो लंग्स के बीच में रखा होता है, यहाँ पे दो लंग्स के बीच में ये रखा तो होता है मिडल में ही, लेकिन ये नीचे से थोड़ा टिल्टेड है, टिल्टेड मतलब तिरछा है, तो इसका ज़्यादा पोर्शन लेफ्ट में चला जाता है, होता बीच में ही है लेकिन नीचे से ज़्यादा पोर्शन लेफ्ट में होने की वजह से हम बोलते हैं कि हार्ट लेफ्ट साइड में होगा, ऐसे बोलते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में होता है, बल्कि वो होता बीच में है लेकिन तिरछा होने के कारण उसको हम लेफ्ट साइड में बोल देते हैं। यह हमारी मुट्ठी के आकार का होता है, जैसे ये बंद मुट्ठी जो होती है ना, इसके आकार का हमारा हृदय होता है। हमारे हृदय में चार मुख्य भाग होते हैं, चार मुख्य भाग हैं। मान लो मैं ये कहूँ कि ये हमारा हृदय है, कुछ इस तरह से टिल्टेड है, और इसमें जो ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं आलिंद। ये क्या है, आलिंद, हिंदी में आलिंद, इंग्लिश में बोलते हैं इसको आट्रियम, सिंगल के लिए आट्रियम, प्लूरल के लिए आट्रिया। और जो नीचे वाला भाग होता है इसको बोलते हैं नीलय। तो ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला नीलय, चार भाग है। अब ये जो नीचे वाला नीलय है, ये बीच में से इसके दो पोर्शन है, इसके बीच में सेप्टम होता है, एक मतलब एक दीवार होती है जो इसको बीच में से दो भागों में डिवाइड करती है, कुछ इस प्रकार से। तो दो, ये वाला भाग दो भाग हो गए नीचे वाले नीलय के। हमें हार्ट को ऐसे पढ़ना, जैसे कि आप मेरे हार्ट की स्टडी कर रहे हैं, तो इस साइड ये वाला भाग हम इसको लेफ्ट कहेंगे, इसको राइट कहेंगे। तो ये जो नीलय है ये इस साइड वाला, ये हो गया लेफ्ट मतलब बाया, बाया नीलय, और ये क्या हो गया, ये हो गया भी दाया नीलय। नीचे वाला तो नीला ही है, इस साइड वाला दाया होगा, इस साइड वाला बाया होगा। अब ऐसे ही जो ये ऊपर वाला भाग है, ये वाला जिसको आलिंद बोलते हैं, ये भी दो भागों में डिवाइड है, तो इस साइड वाला होगा बाया आलिंद, तो ये क्या हो गया बाया आलिंद, और ये क्या हो गया, ये हो गया भी दाया आलिंद। ठीक है, मतलब राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट आट्रियम और लेफ्ट आट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, बायां आलिंद दायां आलिंद, बायां नीलय दायां नीलय, चार भाग हो गए हार्ट के। अब
यहां पे ये जो है यहां होती है वाल्व, वाल्व वाल नहीं, डब्ल्यू ए डबल एल ये नहीं, वी ए एल वी ई वाल्व, वाल्व होती है। यहां भी एक वाल्व है जो राइट साइड में होती है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड। हम वैसे वी टू लिख लो मान लो इसको वाल्व को, और इसको वी वन मान लेते हैं, वी वन वाल्व, वी वन वाल्व, वी टू, ठीक है। अब जो ये वाला भाग है ये बायां दिल है, यहां से बीच में से इसमें से यहां से एक नली निकलती है ये ऐसे, और वो ऐसे जाएगी यहां से, देखो ये नली निकली है इसमें से, और आगे जाके ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे डिवाइड हो जाती है। ऐसे ही एक नली यहां से निकलती है इस प्रकार बीच में से, और वो इसके बीच में से नीचे से होती हुई यहां, यहां से निकलेगी नीचे से, और ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है भाई। ये इसके नीचे से गई है इस प्रकार, और ये गई है ऐसे इस प्रकार से। तो ये जो है ये वाली जो यहां से गई है, ये इसके पीछे से जाके जाएगी कहां पे, ये वाली ये जो निकल के आई है ये पीछे से ऐसे ये चली जाएगी कहां, लंग्स में, मान लो ये लंग्स है तो ये इसमें चली जाएगी, ठीक, ये इसके पास चली गई इस प्रकार, ठीक है भाई। तो ये पार्ट है किसके, हार्ट के। एक इसमें खुलती है यहां पे, एक बड़ी सी रक्तवाहिनी खुलती है इसमें, एक बड़ी सी रक्तवाहिनी खुलती है इसमें, ठीक है। ये तो होगी इसकी संरचना। इसकी संरचना में क्या है, देखो इसकी संरचना में इसके चार भाग हो गए, बायां नील है दायां नील है, बायां आलिंद दायां आलिंद, और दोनों के बीच में बाएं आलिंद और बाएं नील के बीच में वाल्व है जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, और दाएं आलिंद और दाएं नील के बीच में एक वाल्व है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। ये जो नली गई है इसको, ये जो इसमें से निकल के जाती है इसको बोलते हैं महाधमनी, महाधमनी, ठीक। और जो ये जो गई है इसको, इसको बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब यानी अगर फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस फुफ्फुस धमनी जो गई है किसमें, लंग्स में मतलब फेफड़ों में। अब यहां पे ये डिवाइड हो जाएगी, इसकी बहुत सारी ब्रांच हो जाएंगी किसके ऊपर, उपिकाओं के ऊपर, उसके बाद ये दोबारा से जुड़ती हैं और एक नली बन जाएगी, ये नली आएगी दोबारा इसमें जुड़ेगी इस प्रकार से, ठीक है। अब ये जो है ये जो इसमें से निकल के गई है, देखो ये वाली नली, मैं इसको थोड़ा सा डार्क करता हूं, ये वाला पार्ट, ये वाली नली है पूरी, ये जो है जिसको मैंने डार्क कर दिया, ये महाधमनी, क्या है महाधमनी, आगे इसकी ब्रांचेस हो जाती है, और ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है धमनिया, जैसे ये एक धमनी गई, ठीक है, निकली कौन सी थी महाधमनी, उसमें से जो निकल के चली गई वो है धमनिया। धमनियों की आगे जाके हो जाएंगी क्या ब्रांचेस, ये ब्रांचेस हो जाएंगी, दिखाई नहीं दे रहा नीचे, तो इसकी हो जाएंगे ऐसे ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस हो जाएंगी, ठीक है। फिर आगे दोबारा से ये जुड़ जाएंगी और एक नली बन जाएगी, ये क्या बनती है, फिर ये जुड़ के आएगी इसमें, ठीक है भाई, दिखाई दे रहा है ये नीचे से, ठीक है, ये होगा। देखो अब इसकी वर्किंग देखते हैं हम, ये तो पता चल गया हमें कि ये इसकी संरचना है। अब ये जो गई है इसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी, इस ये जो आई है इसको बोलते हैं
फुफ्फुस शिरा, ठीक है। ये जो आई है इसको बोलते हैं महाशिरा, जिस प्रकार से ये महाधमनी थी ऐसे ही ये क्या है महाशिरा है। ये जो है इनको बोलते हैं, ये जो पतली पतली सी निकली हैं ये केशिकाएं, केशिकाएं, और ये क्या है ये सिराएं, ये सिराएं। ऐसी ऐसी बहुत सारी यहां जुड़ेंगी, दूसरी साइड से भी आएगी इस प्रकार से, तो ये जो बनेगी चौड़ी सी एक इसको बोल देंगे महाशिरा, ये इसमें खुलती है, ये सिराएं, ये होगी धमनी, और धमनियों के बीच में क्या होगी केशिकाएं। तो ये संरचना है हमारे परिसंचरण तंत्र की, सारे के सारे परिसंचरण तंत्र की यही संरचना है। मतलब क्या है, इसमें मैंने बताया था तीन भाग है इसमें, रक्त, इनके अंदर सभी के अंदर रक्त दौड़ रहा है, और उस रक्त को धक्का देने वाला कौन है ये हृदय है। रक्त के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं होती है, इसमें प्लाज्मा होता है, उनके कार्य पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ना है क्या, इस सिर्फ इस भाग के बारे में, हृदय क्या चीज है, हृदय के कार्य क्या। फिर नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रक्त वाहिनियां, मतलब जो ये हैं धमनियां और सिराएं, इनके बारे में पढ़ेंगे। अगर टाइम बच गया तो मैं अभी इस वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो हम सिर्फ पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, ठीक है भाई। देखो मनुष्य जो है, मनुष्य मनुष्य होता है समतापी जीव, समतापी मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। वार्म ब्लडेड का मतलब होता है उनको अपनी बॉडी का तापमान हमेशा स्थिर रखना होता है, हमारी बॉडी का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसको स्थिर रखने के लिए हमें बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, और ऊर्जा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज को तोड़ना पड़ता है, और ग्लूकोज कब टूटेगा जब अधिक ऑक्सीजन मिलेगी। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैं बोलूंगा ना बार बार शब्द आएगा ये ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत इसका मतलब ये समझ लेना ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन है, और अगर मैं बोलता हूँ अनऑक्सीकृत तो इसका मतलब समझ लेना जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑक्सीकृत रक्त और अनऑक्सीकृत रक्त को दोनों को अलग रखना पड़ेगा, क्यों, अगर ये दोनों मिक्स हो गए तो ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी कोशिकाओं में इतनी नहीं हो पाएगी और हमें कम ऊर्जा मिलेगी, और हमें ऊर्जा चाहिए हर टाइम। जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं जैसे मैमल, स्तनधारी जो जीव हैं और पक्षी हैं, दो ही ऐसी ग्रुप हैं जिन जो समतापी जीव हैं, जिनके शरीर का तापमान हमेशा समान रहता है, चाहे बाहर कितनी ठंड पड़ रही हो चाहे कितनी ही गर्मी पड़ रही हो, लेकिन शरीर का तापमान हमेशा स्थिर रहेगा। लेकिन वो वैसे ही स्थिर नहीं रहता, उसको स्थिर रखने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की खर्च करनी पड़ती है, और ऊर्जा के लिए हमें ग्लूकोज तोड़ना पड़ता है, ग्लूकोज के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के लिए चाहिए हमें ऑक्सीकृत रक्त। इसलिए ऑक्सीकृत रक्त और अनऑक्सीकृत रक्त दोनों को अलग रखना पड़ता है। इसलिए हमारे हृदय के चार भाग होते हैं, क्योंकि एक भाग में होता है ऑक्सीकृत रक्त और दूसरे भाग में आता है अनऑक्सीकृत रक्त। अगर ये मिक्स हो जाएगा तो हमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। जो दूसरे ग्रुप होते हैं जैसे सब भाई, एक होता है फिशिज जो होती है मछलियाँ, मछलियों के अंदर, उसके बाद होते हैं एम्फीबियंस मतलब उभयचर, जैसे मेंढक होता है, उसके बाद आते हैं रेप्टाइल्स मतलब जो रेंगने वाले जीव होते हैं वो, और उसके बाद आते हैं बर्ड्स, और फिर आते हैं मैमल्स। ये पढ़ा था हमने 9th क्लास में, ये चीजें पढ़ चुके हैं हम। देखो फिशेज जो होती हैं, फिशेज में हार्ट सिर्फ दो चैम्बर होते हैं हार्ट के, एक होता है ऊपर आलिंद और नीचे नील है, बस ये होता है इस प्रकार से, ऊपर आलिंद है नीचे नील है। इनमें देखो मैं बता चुका हूं कि मछलियों में श्वसन गिल्स द्वारा होता है, गलफड़ों में होता है, तो ऑक्सीजन गलफड़ों से ऑक्सीजन लेके रक्त जाएगा पूरी बॉडी में, ठीक है, मतलब गलफड़ों से ऑक्सीजन ली पूरी बॉडी में चला गया, उधर ऑक्सीजन देके और कार्बन डाइऑक्साइड लेके हृदय में आ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ से इसके अंदर आ जाएगा, किसके अंदर, नीले के अंदर, और नीले फिर सिकुड़ जाएगा और उसको भेज देगा, उसको धक्का दे देगा किसके पास, गिल्स के पास, गलफड़ों के पास, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड दे दे और ऑक्सीजन ले आए, ऑक्सीजन लेगा कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा। मतलब इनमें सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन होता है, मतलब हृदय में ब्लड एक ही बार आता है। जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस इनका जो हार्ट होता है उसमें तीन चैम्बर होते हैं, इस मतलब ये इनमें एक आलिंद होता है लेकिन नीले होते हैं दो, नीले होते हैं सॉरी ये जो आर्ट्रियम होता है ये तो इसके तो दो भाग होते हैं, लेकिन
नीले होता है एक, ये किसमें होता है, ये होता है एम्फीबियम जैसे मेंढक वगैरह में उनके अंदर, और रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले होते हैं उनमें भी ऐसा ही होता है, सिर्फ मगरमच्छ को और क्रोकोडाइल को छोड़ के उनमें जो ये हर्ट होता है, हालांकि वो रेंगने वाले हैं लेकिन पार्शियली फोर चैम्बर्ड हर्ट होता होगा। पार्शियली का मतलब ये समझ लो साढ़े तीन चैम्बर, साढ़े तीन का मतलब क्या, ये वेंट्रिकल जो होता है ऐसा पूरा का पूरा ऐसा नहीं होता, मतलब तीन चैम्बर नहीं होते किसमें, क्रोकोडाइल में और उसमें जो एलिगेटर होता है उनमें, उनमें क्या होगा इस तरह से होगा, मतलब ये डिवाइड तो होएगा वेंट्रिकल नीले, लेकिन ये जो बीच में सेप्टम है ये कंप्लीट नहीं बनेगा, इसलिए पार्शियली फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है किसमें, क्रोकोडाइल में और एलिगेटर में। बाकी एम्फीबियंस में और जितने भी रेप्टाइल्स हैं सभी में थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। उनमें क्या होगा, उनमें ऑक्सीजन, देखो एक तरफ आएगा ऑक्सीजन युक्त, दूसरी तरफ आएगा अनऑक्सीकृत, तो लेकिन इसमें जाते ही दोनों मिक्स हो जाएंगे। क्यों मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि उनको अधिक ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो वार्म ब्लडेड एनिमल नहीं होते, वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, मतलब उनके शरीर का तापमान स्थिर नहीं होता। मछलियां और उभयचर और रेप्टाइल्स ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर का तापमान स्थिर नहीं होता, उनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार हो जाता है, अगर बाहर का तापमान अधिक होगा तो शरीर का तापमान भी बढ़ना शुरू कर देगा, अगर बाहर का तापमान कम होगा तो शरीर का तापमान भी कम होना शुरू कर देगा। इससे बचने के लिए वो कुछ तरीके अपनाते हैं, जैसे हाइबरनेशन करते हैं या एस्टिवेशन करते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो वो कहीं पर जाके छिप जाते हैं, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तब भी वो कहीं जाके छिप जाते हैं, हाइबरनेशन करते हैं, क्यों, क्योंकि बॉडी का तापमान स्थिर तो हो नहीं सकता, तो कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है। तो देखो इनमें डबल सर्कुलेशन होता है, इनके अंदर भी डबल का मतलब हृदय में दो बार रक्त आएगा, एक बार आएगा ऑक्सीकृत, एक बार आएगा अनऑक्सीकृत। लेकिन मछलियों में क्या था, एक ही बार रक्त आया बस, एक ही बार अनऑक्सीकृत रक्त आया, अनऑक्सीकृत रक्त को हृदय ने धक्का दे दिया गलफड़ों के पास, गलफड़ों के पास जाके कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, ऑक्सीजन ले ली, फिर वो दोबारा से हार्ट में नहीं आएगा, वो जाएगा सीधा कोशिकाओं के पास। हमारे हृदय में क्या होता है, हमारे हृदय में डबल सर्कुलेशन होता है, कैसे होता है, हमारे हृदय में एक बार ऑक्सीकृत रक्त आता है और एक बार अनऑक्सीकृत रक्त आता है, वो किस प्रकार आता है चलो मैं बताता हूँ। देखो ये है हृदय, मैंने बताया एक मस्कुलर ऑर्गन है, पेशियों से बना हुआ, कार्डियक पेशियों से बना हुआ, मुट्ठी के आकार का है, और यहाँ रखा हुआ है थोरेसिक कैविटी में, लंग्स के बीच में होता, बीच में है लेकिन नीचे वाला पोर्शन साइड में निकला होता है, इसलिए इसको बोल देते हैं कि हार्ट लेफ्ट साइड में है। अब ऊपर वाला ये वाला भाग बायां आलिंद, ये वाला बायां नीला है, ये दायां आलिंद, ये दायां नीला है, बायां आलिंद बायां नीले के बीच में एक वाल्व होगी, दायां आलिंद दायां नीले के बीच में एक वाल्व होगी, यहां से इस बायां नीले से जो निकलती है एक नली, ये जो इसको बोलते हैं महाधमनी, दाएं नीले से जो निकलती है इसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी, यहां जो इसके अंदर आती है इसमें दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में जो गिरती है आके उसको बोलते हैं महाशिरा, जो बाएं आलिंद में आके गिरती है उसको बोलते हैं फुफ्फुस शिरा। कार्य कैसे करता है हमारा, ये तो होगी इसकी संरचना, हमारा हृदय कार्य कैसे करेगा, देखो काम सारा रक्त नहीं करना है, सिर्फ रक्त घूम रहा है बॉडी में, चक्कर लगा रहा है ऑक्सीजन देने के लिए, खाना देने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आएगा, अपशिष्ट पदार्थों को लेके आएगा, बस इसी काम के लिए रक्त है, लेकिन वो बार बार चक्कर लगा रहा है, उसको चक्कर लगवाएगा कौन, ये हृदय। अब जब ऑक्सीकृत रक्त, ऑक्सीकृत रक्त हम श्वसन में पड़ चुके हैं कि हम श्वसन करते हैं फेफड़ों से, कोशिकाओं में ऑक्सीजन जाएगी, वो ऑक्सीजन वहां से निकल के रक्त में पहुंच जाएगी, कैसे, देखो ये कोशिका है, कोशिका के ऊपर रक्त वाहिनियों का जाल होता है, पहले बता चुका हूँ, देखो ये बहुत सारी रक्त वाहिनियां, ये इनको केशिकाएं बोलते हैं, केशिकाएं, केशिकाएं, तो ये केशिकाएं कैसे बनी, जो ये आई थी इसका क्या नाम था, फुफ्फुस धमनी, ये फुफ्फुस धमनी है, ये फुफ्फुस धमनी लेके आई रक्त को किस से, हृदय से, और कहां लेके आई, फेफड़ों के पास, क्यों लेके आई, क्योंकि ये जो रक्त है
ये अनऑक्सीकृत रक्त है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। कहां से आई कार्बन डाइऑक्साइड? यहां से आई, कोशिकाएं, यहां कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं हमारे शरीर की बहुत सारी कोशिकाएं हैं, इनको चाहिए ऑक्सीजन। किस लिए? ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। ग्लूकोज टूटेगा तो ऊर्जा निकलेगी, उस ऊर्जा का प्रयोग कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे। तो यहां से ऑक्सीकृत रक्त आया, ध्यान से सुनना, ऑक्सीकृत रक्त आया इधर से, किस में से? फुफ्फुस शिरा में। यहां आया किस में? बाएं आलिंद में। फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके रक्त आया बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से जाएगा किस में? बाएं नीले में, इसमें चला आया बाएं नीले में। अब हार्ट क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ेगा तो जो ये नीचे वाला पोर्शन होता है, ये इसमें ज्यादा सिकुड़न होती है, मतलब नीले में ज्यादा सिकुड़न होती है, तो हो सकता है नीले फट जाए, फट भी सकता है, प्रेशर अधिक होता है, तो नीले की दीवारें जो होती हैं वो अधिक मोटी होती हैं। किससे? ऊपर वाले आलिंद से नीले की दीवारें अधिक मोटी होती है। पेपर में आ सकता है कि नीले की दीवारें अधिक मोटी क्यों होती है, क्यों? क्योंकि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो प्रेशर पड़ता है इस पे नीले पे, इसलिए उसकी दीवारों का मोटा होना आवश्यक है ताकि उसके प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। अब जैसे ही रक्त इसमें आया बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से वाल्व द्वारा बाएं नीले में, अब जैसे ही कॉन्टैक्ट करेगा, कॉन्टैक्ट करते ही देखो ये वाल्व है, वाल्व का काम क्या होता है? वाल्व का काम होता है, जैसे ही सिकुड़ेगा ये वाल्व ऐसे ही थी, ये दोनों फ्लैप, ये ऐसे होती फ्लैप, जैसे ही नीचे से प्रेशर पड़ेगा ये ऐसे हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ये वाल्व हो जाएगी बंद। अब रक्त इसमें ऊपर को जा नहीं पाएगा तो चला किस में जाएगा? इसमें से जाएगा भाई, किसमें? महाधमनी में, महाधमनी से धमनियों में, धमनियों की ब्रांच हो जाएंगी, कहाँ? हाथ में चलेगी, इस साइड हाथ में चलेगी, ऊपर भी चलेगी, नीचे भी चलेगी, ये चलेगी सारी कोशिकाओं के पास। क्यों गई? क्योंकि ऑक्सीजन युक्त रक्त है। अब आगे जाके महाधमनी से धमनियों से बन जाएंगी केशिकाएं। ये देखो कितनी ब्रांचेज हो गई इसकी, छोटी छोटी सी। ये जो केशिकाएं होती है इनकी दीवारें बहुत पतली होती है, उसमें से ऑक्सीजन आसानी से कोशिका के पास चली जाएगी और कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से केशिकाओं में आ जाएगी। तो ये धमनियों से केशिकाएं बन गई हैं, मतलब ये समझ लो यहाँ आधे हिस्से में यहाँ तक ऑक्सीजन है इसके पास, रक्त के पास। अब कोशिकाओं को ऑक्सीजन इसने दे दी है और कार्बन डाइऑक्साइड ले ली है। अब आगे ये अब धमनी निकल आएगी, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है उस टाइम इनके अंदर आ जाता है अनऑक्सीकृत रक्त और फिर ये बन जाती है सिराई। ठीक है भाई, बात समझ में आएगी। गैसों का आदान प्रदान किस में होता है? वो होता है केशिकाओं और कोशिकाओं के बीच में। केशिकाएं जो आगे धमनियों की ब्रांचेज निकलती हैं उनको केशिकाएं बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी दीवारें बहुत पतली होती है, जिनमें से ऑक्सीजन आसानी से गुजर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गुजर जाती है, ग्लूकोज भी गुजर जाता है, तो वो ऑक्सीजन देके कार्बन डाइऑक्साइड लेकर रक्त आ जाएगा इसमें। ये क्या कहलाएगी? सिरा। ऊपर से भी सिरा आएगी, साइड से भी सिरा आएगी, बहुत सारी सिराएं जुड़ जाएंगी और बन जाएगी महासिरा, और वो खुलेगी किसमें? इसमें। इसका क्या नाम है? दायां आलिंद। दायां आलिंद से कहां जाएगा रक्त? दाएं नीले में। फिर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वाल बंद हो जाएगी, तो रक्त किसमें जाएगा? इसमें से जाएगा। ये क्या है? फुफ्फुस धमनी। धमनी से कहां लेके गया? फेफड़ों में। क्यों लेके गया? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड थी इसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा उधर और ऑक्सीजन ले लेगा, फिर से वही काम हो जाएगा। इस प्रकार हृदय काम करता है। अब देखो, बात याद रखना, जो धमनियां होती हैं, धमनियां वो हमेशा हृदय से रक्त को लेकर जाती हैं। धमनी हृदय से लेकर जाती है दूर, याद रखियो। और सिराएं जो होती हैं, सिराएं वो हृदय तक रक्त को लेकर आती हैं, हृदय में रक्त पहुंचाती हैं सिराएं। जितनी भी सिराएं होती हैं सब में अनऑक्सीकृत रक्त होता है, एक सिरा को छोड़ के। जितनी भी धमनियां होती है सब में ऑक्सीकृत रक्त होता है, धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होता है और सिराओं में अनऑक्सीकृत रक्त होता है। एक सिरा ऐसी है
देखो सारी सिराओं में, देखो सिरा आएगी इधर से, इनमें अनोक्षीकृत रक्त है। एक ही सिरा मैंने बताया, सिराएं हृदय से रक्त को लेकर जाती हैं। इसमें से एक सिरा ऐसी थी जो रक्त को, सॉरी धमनियां ऐसी हैं जो रक्त को लेकर जाती हैं, हृदय से रक्त को लेकर जाती हैं। देखो ये सारी हृदय से लेकर गई, ये इधर से ऐसे लेके गई है, तो ये धमनी है। और मैंने ये भी बताया कि धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होता है, लेकिन एक धमनी इसमें से भी तो गई रक्त लेके, इसमें तो ऑक्सीकृत नहीं था, इसमें क्या था, अनऑक्सीकृत रक्त। तो जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें एक ही धमनी ऐसी है जिसमें अनऑक्सीकृत रक्त है, बाकी सारी धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होता है। ऐसे ही जो सिराएं होती हैं वो हृदय तक रक्त को लेके आती हैं। देखो ये लेके आई हृदय तक, एक ये भी लेके आई, ये भी सिरा है, ये भी सिरा है। मैंने बताया सिराएं रक्त को लेके आएंगी जो हृदय तक, लेकिन ये भी बताया कि सिराओं में अनऑक्सीकृत रक्त होता है, लेकिन जो यहाँ से आएगी फेफड़ों से उसमें तो ऑक्सीकृत रक्त होगा। तो फुफ्फुस सिरा ऐसी सिरा है जिसमें ऑक्सीकृत रक्त होता है, एक ही सिरा ऐसी है जिसमें ऑक्सीकृत रक्त होता है, बाकी सभी सिराओं में अनऑक्सीकृत रक्त होता है। ठीक है भाई, बात समझ में आई। हमारा हमारे हृदय में ऑक्सीकृत रक्त, देखो ये एक इस साइड वाला पार्ट अलग है, ये जो लेफ्ट पार्ट में हमेशा ऑक्सीकृत रक्त रहेगा, ऑक्सीकृत आया, ऑक्सीकृत इसमें गया और इसमें से ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस पूरे में इसमें अनऑक्सीकृत आया, इसमें अनऑक्सीकृत गया और इससे भी फेफड़ों में चला गया। देखो कहीं मिक्सिंग नहीं हुई किसकी, ऑक्सीकृत की और अनऑक्सीकृत की। क्यों, अभी मैंने रीजन बताया था, क्योंकि हम समतापी जीव होते हैं, हमें अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है अपने तापमान को स्थिर रखने के लिए। ठीक, अब जब मैंने बताया कि ये जो नीला है ये सिकुड़ता है, तो जब देखो ये जो रक्त है ये जब हमारा हार्ट रिलैक्स पोजीशन में होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ऐसे ही आराम से होगा, तब ऊपर का रक्त फेफड़ों से तो अपने आप आ जाएगा, इसमें ये भर जाएगा अपने आप ही। अब और अपने आप ही बिना किसी सिकुड़न के रक्त इसमें से नीचे भी चला जाएगा, लेकिन इसमें से बिना सिकुड़े ये धमनियों में भी फैलेगा, इसलिए इसका सिकुड़ना जरूरी होता है। बात समझ में आई। अब जब ये जो आएगा ये मतलब अनऑक्सीकृत रक्त वो इसमें से इसमें आएगा, जिस टाइम इसमें से रक्त इसमें आ रहा होता है उसी टाइम अनऑक्सीकृत रक्त इसमें से इसमें आ रहा होता है। ये बात याद रखना, जिस टाइम ऑक्सीकृत रक्त इसमें से इसमें प्रवेश करेगा, अनऑक्सीकृत रक्त इसमें से इसमें प्रवेश करता है। तो ये पूरा का पूरा बायां नीला और दायां नीला दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ऑक्सीकृत रक्त और अनऑक्सीकृत रक्त दोनों एक साथ निकलते हैं इसमें से। तो ऑक्सीकृत रक्त तो चला जाएगा हमारी कोशिकाओं में और अनऑक्सीकृत रक्त चला जाएगा फेफड़ों में। बात समझ में आएगी। ये जो वाल्व है इनके कार्य मैंने बता दिया, ये बंद हो जाएंगे ताकि जो रक्त है वो ऊपर आलिंद में ना पहुंचे, ना ही बाएं आलिंद में ना ही दाएं आलिंद में। अब जब जब रक्त इसमें से इसमें आएगा इसमें, तो हो सकता है इसका रक्त वापिस आ जाए इसमें से फुफ्फुस धमनी में, तो इस धमनी में क्या होती है, वाल्व लगी होती है यहाँ पे, जो इस रक्त को वापिस आने से रोक लेगी। ऐसे ही जब रक्त इसमें से इसमें आ रहा होगा तो इसका रक्त भी तो वापिस आ सकता है इस महाधमनी का, तो इसमें भी वाल्व लगी होती है। तो महाधमनी में और फुफ्फुस धमनी में वाल्व लगी होती है रक्त को रोकने के लिए। देखो तो दो वाल्व तो ये होगी, बाएं आलिंद बाएं नीला के बीच में एक वाल्व, दाएं आलिंद दाएं नीला के बीच में एक वाल्व, और वाल्व कौन सी, एक होगी फुफ्फुस धमनी में, एक होगी महाधमनी में। यहाँ भी वाल्व है बैक फ्लो को रोकने के लिए, ये रक्त वापिस ना आए। ठीक है, अब जब ये भरेंगे फिर रक्त इनमें से इसमें जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रक्त फैल जाएगा, ऑक्सीकृत रक्त कोशिकाओं तक और अनऑक्सीकृत रक्त फेफड़ों तक पहुंच जाएगा, फेफड़ों में ऑक्सीजन देके वापिस, और ये इधर कोशिकाओं को ऑक्सीजन देके वापिस। ये होता है हमारी बॉडी में, ये है हार्ट की फंक्शनिंग। अब हमारा हार्ट धड़कता है, हमारे हार्ट से आवाज आती है धड़कने की, वो कौन सी आवाज होती है, वो आवाज होती है अभी धड़कने की, वो जब हम जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है सिकुड़ता है, तो ये वाल्व बंद होती है झटके से, ये दोनों
एक साथ, तो उस समय हमें एक साउंड सुनाई देती है जिसको बोलते हैं लव, मतलब धड़कन। हमें धड़कन हाथ रखोगे ना तो तुम्हें दो धड़कन सुनाई देंगे, एक थोड़ी धीमी होती है, एक मतलब कम टाइम के लिए, थोड़ी एक ज्यादा टाइम के लिए होती है। तो जब ये बंद होती है तो एक आवाज आएगी, हमने उसको नाम दे दिया लव, लव, ठीक है। फिर जब ये खुल जाएंगी तो इसके बैक फ्लो को रोकने के लिए इसमें जो वाल्व होती है वो बंद होगी, तो फिर दूसरी आवाज आएगी जिसको बोलेंगे डप, ठीक है भाई। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, आवाज आएगी लव। फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट के बाद रिलैक्स होगा तो इनके बैक फ्लो को रोकने के लिए इनकी आवाज बंद हो जाएगी, फिर आवाज आएगी डप। तो लव डप, लव डप, लव डप, ये हमारे हार्ट की आवाज आती है। किसकी है वो होती है, वो वाल्व के बंद होने की साउंड होती है, ठीक है भाई। ये तो हो गया हमारे हार्ट की फंक्शनिंग। उसके बाद कुछ चीजें हैं, जैसे भाई एक होता है हार्ट बीट, हार्ट बीट, हार्ट बीट क्या होता है, हृदय स्पंदन बोलते हैं हिंदी में, हृदय स्पंदन, मतलब हमारा हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है उसको बोलते हैं हृदय स्पंदन, एक मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो हमारा हृदय नॉर्मली जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका हृदय एक मिनट में लगभग 72 टाइम्स, मतलब 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है एक मिनट में, इसको बोलते हैं हार्ट बीट। बात समझ में आई, योगी हार्ट बीट। एक होता है नाड़ी स्पंदन, नाड़ी स्पंदन, नाड़ी स्पंदन क्या होता है, देखो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब नीचे नीला कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रक्त इसमें से निकलेगा, किसमें जाएगा, धमनियों में फैल जाएगा, पूरा का पूरा धमनियों में फैल जाएगा। अब जब धमनियों में जाएगा झटके के साथ, तो इन धमनियों की जो दीवारें हैं उस पे भी तो झटका फील होएगा, झटके से जाएगा ना उसमें। जैसे मान लो कोई पाइप पानी का भरा पड़ा है, उस पे पैर मारोगे जोर से तो उसके ऊपर एक वेव जाएगी, पानी की एक वेव लहर से जाती हुई दिखेगी। क्यों, क्योंकि इधर से प्रेशर पड़ा तो वो प्रेशर दूर तक जाएगा, तो जब यहाँ इस पे प्रेशर पड़ेगा तो वो प्रेशर इसके ऊपर से होता हुआ यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक आते 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 वो प्रेशर कम हो जाएगा, तो सिराओं में वो प्रेशर बिल्कुल नहीं होता, तो सिराओं में आते आते वो प्रेशर बिल्कुल डाउन हो जाता है, बिल्कुल खत्म। इसलिए सिरा में क्या होती है, वाल होती है, ताकि जो रक्त है वो वापिस ना जाए। यहाँ तो वाल की जरूरत नहीं, क्यों, यहाँ तो प्रेशर के साथ निकल रहा है ना ब्लड, तो इधर यहाँ वाल की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ आते आते प्रेशर हो गया खत्म, तो बैक फ्लो को रोकने के लिए इसमें होते वाल, सिराओं में वाल होती है। लेकिन जब इनमें प्रेशर से ब्लड निकलेगा, इसमें धमनियों में, तो इनकी दीवारें तो फट सकती है, इसलिए धमनियों की दीवारें क्या होती है, मोटी होती है। अब जहां भी हमारे शरीर में